गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल है कैसे हो गुड मॉर्निंग एम आई लाइव एम आई लाइव जरा मुझे बता दो क्या मैं लाइव हो बच्चो एम आई लाइव एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल मुझे तो नहीं पता चल रहा येस आई एम लाइव यस आई एम लाइव यस बच्चो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल है तुम्हारे कैसे हो गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग कैसे हो एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल स गुड मॉर्निंग बच्चो गुड मॉर्निंग ओके शुरू करते हैं चलो हेलो जी हेलो 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 बच्चो पहले तो हाँ जी तो हमने ट्वेल्थ के एग्जाम्पल्स कर लिए हैं वे आर ऑलरेडी कवर्ड द ट्वेल्थ एग्जाम्पल आज बच्चों हम लोग खत्म कर देंगे ट्वेल्थ सॉरी सॉरी ट्वेल्थ के कर दिए आज हम इलेवंथ के ख़त्म कर देंगे सो लेट स्टार्ट लेट एस स्टार्ट जो नया बच्चा है बच्चों आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह मैंने पी करा है माइकोलॉजी में और मैंने एम एस सी करा है बॉटनी में छः साल से मैं पढ़ा रही हूँ बाकी सब तुम यहाँ देख सकते हो तीन स्पीशीज डिस्कवर करी हैं रिसर्च पेपर लिखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड करा है मैंटोर करा उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाया है और बच्चों मेरा प्लस का कोर्स भी चल रहा है ऑन हमारा जो प्लस का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मेरा कोर्स चल रहा है बायो का वहाँ पर मैं इकोलॉजी ख़त्म कर चुकी हूँ वहाँ पर मैं जो आपका वेलफेयर वाला यूनिट है वो भी खत्म हो चुका है बस एक चैप्टर रह गया तो यस द सिलेबस इज मूविंग एट अ वेरी गुड पेस देयर बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया स्पीड पे चल रहा है वहाँ सिलेबस प्लस पे या आइकॉनिक पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बस कोड लगाना है गार्गी और ये आपके प्राइजेस है पहुँच जाना है ना बच्चों एक आपका प्राइस हाइक होने वाला है ट्वेंटी परसेंट ऑफ अभी चल रहा है सो so, क्या करना है बस ये कोड लगाना है गार्गी एंड यू कैन कम एंड ज्वाइन माई प्लस कोर्स सिर्फ मेरा ही नहीं आपको सारे टीचर्स का एक्सेस मिलेगा सारे के सारे टीचर्स का एक्सेस मिल जाएगा सिर्फ मेरा ही नहीं मिलेगा विद दिस कोड ओके जी चले और बच्चों हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे जो कम्फर्टेबल फील करते हैं हिंदी मीडियम में वो कोर्स ले सकते हैं दो हज़ार में और अभी आपको सात दिन का फ्री ट्रायल भी चल रहा है यू जस्ट हैव टू यूज द कोड गारी है ना जी ठीक है जी चलो अब बच्चों कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना और हमारी स्पेशल क्लासेस का बच्चों हमारी स्पेशल क्लासेस का ये स्केड्यूल है ठीक है इस हफ्ते का ये स्केड्यूल है जैसे आज हो रहा है तुम्हारा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कोई बच्चा मिस नहीं करेगा ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है यार आज हो रहा है अपना 2016 की हम प्रैक्टिस करेंगे कल 15 फिर 14 देन 13 तो अपना इस हफ्ते का ये स्केड्यूल है मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया यहाँ पर भी बता रही हूँ आपको लिंक दिया हुआ है यहां पे एक ठीक है उसको ज्वाइन कर लेना मुझे आने अकेडमी का ऐप बस डाउनलोड करना है फ्री में एंड आपको बस गार्गी कोड यूज करना है बच्चों दीज क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं कोई मिस नहीं करेगा आज भी छह बजे है कल छह बजे परसों है नरसों तरसों छ बजे होती रहेंगी यस yes, चलो अब शुरुआत करते हैं भाई अपने एन के एग्जाम्पल से है ना पहले चैप्टर से शुरू कर लेते हैं चैप्टर वाइज करेंगे तो तैयार हो रेडी हो रेडी ऑल सेट ऑल सेट टू गो ऑल सेट टू गो ओके ठीक है आई थिंक सब बिल्कुल तैयार हैं रेडी बैठे हैं तो हम शुरू करते हैं विदिविंग वर्ल्ड ठीक है बच्चो लिविंग वर्ल्ड से शुरू करेंगे एंड वी विल मूव ऑन ऐसे ऐसे चलो येस yes, रेडी आ जाओ

बडिंग है ना बडिंग एग्जाम्पल क्या है तुम्हारी पुस्तक में यस बच्चों व्हाट इज एग्जाम्पल बच्चों मैं ट्राई करूंगी कि क्लास वन एंड हाफ आवर से ज्यादा की ना हो ठीक है वन एंड हाफ आवर से ज्यादा की ना हो अब बस चुपचाप बातें नहीं और काम में ज्यादा ध्यान ठीक है यस बच्चों ईस्ट एंड हाइड्रा लिखो 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 ईस्ट एंड हाइड्रा ओके okay, दूसरा एग्जाम्पल पूछ रही हूँ ट्रू फ्रैगमेंट सॉरी ट्रू रीजनरेशन का सेकेंड एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछने वाली हूँ ट्रू रीजनरेशन का चैट बॉक्स में आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए yes, बच्चों, बताओ पेन भी इतना मोटू सा हो रहा है ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा प्लेनेरिया होगा बच्चों वेरी गुड प्लेनेरिया जिसको और क्या बोलते हैं हम फ्लैट वॉम भी बोलते हैं इस बेचारे को फ्लैट वॉम भी बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब फ्यूरियस काव्या दिव्या वेरी गुड चलो आ जाओ बच्चों फ्रेगमेंटेशन ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है वैसे तो दूसरे भी आए हुए हैं दिस इज ऑल्सो पी वाई क्यू बच्चो पूछा हुआ है क्वेश्चन में पूछा था कि भाई फंगाई फिलामेंटस सैल्गे प्रोटोनिमा इन सब में क्या कॉमन है तुम्हें बताना है क्या कॉमन है फ्रेगमेंटेशन होता है सब में फ्रेगमेंटेशन होता है लिखो फंगाई ओके वी हैव फंगाई वी हैव दिस इज ये क्वेश्चन दो तीन बार पूछा जा चुका है फिलामेंटस एलगे बच्चों और तीसरा क्या होता है प्रोटोनेमा प्रोटोनेमा किस में होता है प्रोटोनेमा किस में होता है प्रोटोनेमा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रोटोनेमा किस में होता है मॉसिस में होता है ठीक है मॉसेस क्या है ब्रायोफाइट्स हैं तो इसमें होता है अब आ जाओ बच्चों जो अपना एक Uh, क्या कहते हैं ये जो पहला चैप्टर है उसमें एक चीज बड़ी दुखदाई रहती है है ना कि कैटेगरीज और उसमें स्पीशीज के नाम उसमें जीनस के नाम उसको जरा देख लेते हैं आ जाओ ठीक है लेट्स राइट दैट ऑल्सो तो उसको लिखने के लिए हम चलो देखो मैं क्या करूंगी ना आई विल डू वन थिंग मैं यहाँ पे लिख दूंगी कैटेगरी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों कैटेगरीज ओके okay? और एक तरफ मैं लिख दूंगी प्लांट्स प्लीज बड़े ध्यान से लिखेंगे इसको दूसरी तरफ हम लिख लेंगे एनिमल्स दूसरी तरफ हम लिखेंगे एनिमल्स हम क्योंकि हमें स्पीशीज के नाम लिखने हमें जीनस के नाम लिखने हमें फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम ये सब लिख लें यस बच्चों चलो आ जाओ पीडीएफ बच्चों आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा डॉक्टर गार्गी सिंह फॉलो कर लो पीडीएफ वहां आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा जैसे ही ये सेशन खत्म होगा पीडीएफ वहां अपलोड हो जाएगा यस चलो सबसे पहला कैटेगरी मैं क्या लिखूंगी ऑब्वियसली स्पीशीज लिखूंगी लिख दी मैंने स्पीशीज अभी प्लांट्स की कौन सी स्पीशीज दी है तुम्हारी बुक में सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनम नाइग्रम सोलेनम मिलान जेना लिखो लिखो यार so, लिख दो यहां पे सोलेनम ट्यूबरोसम आ गया है ना नाइगरम आ गया बच्चों ओके okay, एंड भाई ये याद करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि भाई ये ये तो चल जाएगा हमारा काम ऐसा नहीं होगा याद करना पड़ेगा यस वेरी गुड अमित वेरी गुड अहमद वेरी गुड ये अरे रोज इट्स ओके इट्स ओके रोज इज टेलिंग मी मैम मैं लिख, लिख रहा हूँ ठीक है तो <laughs> लिख रही हूं इसलिए ना मैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं यस बच्चों जो बच्चे लिख रहे हैं इट्स ओके चलो तो एनिमल्स पे आ जाओ एनिमल्स की कौन सी हमारे यहाँ स्पीशीज यू है लियो ओके लाइन ठीक है जी ठाइगरिस ओके एंड बच्चों क्या पार्डस ये हो गई मेरी स्पीशीज अब आ जाते हैं जीनस पे फटाफट से लिखेंगे जीनस दूसरी चीज आ गई जीनस चलो भाई जीनस में अब हम क्या लिख देंगे इन दिस केस बच्चों सोलेनम इज द सोलेनम मेरा जीनस हो गया दूसरा जीनस क्या दिया दतूरा एंड पिटूनिया लिखो दतूरा एंड पिटूनिया दिया हुआ है, है ना ओके okay. अब अगर मैं बात करूं एनिमल्स की एनिमल्स में कौन सा जीनस दिया बच्चों ये तीनों दे बिलोंग टू विच जीनस दे बिलोंग टू दे बिलोंग टू पैंथेरा तो लिखो यार पैंथेरा लिखो शेरो लिखो पैंथेरा लिख दिया ओके okay. और एक न, 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 न मुन्ना सा फेलिस भी दिया हुआ है हमें यस बच्चों यस यस ओके ओके Yes, मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ वाई टी पे बच्चों अब मैं वाई पे आती रहूंगी ठीक है अब मैं वाई पे आती रहूंगी राइट ओके चलो आ जाओ जीनस आ गया अब जीनस के बाद क्या आता है? आता है है फैमिली फैमिली भी लिखो यार ये आ, हमें एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन भी मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन से भी मेरा रैंक इधर से उधर हो जाएगा है ना तो फैमिली से क्या एग्जाम्पल है सोल ने सी है है ना बच्चों और क्या कौन वॉल व्यू लेसी है कौन व्यू लेसी है ठीक है प्लीज जिन बच्चों को नहीं दिख रहा वो अपना रेजोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा कर लो बच्चों ठीक है यस फैमिली बच्चों इधर कौन सी फैमिली आ जाएगी हाँ शेर की फैमिली क्या होती है भाई शेर की फैमिली कौन सी होती है शेर की फैमिली इज फैलाइडी लिखो एंड डॉग की फैमिली इज लिखेंगे ठीक है जी चलो अच्छा बच्चों फैमिली हो गया अब आ जाओ ऑर्डर पे नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई यहां, पे? यहां जाएगा है ना इधर आ जाएगा पॉली मोनिए इतने सारे एग्जाम्पल अभी मतलब इतनी दो मिनट में हो गए इतने सारे एग्जाम्पल सैपिन बच्चो सैपिनेज ये हो गया एग्जाम्पल इधर क्या आ जाएगा भाई बताओ ये ये दोनों किस फैमिली में आएंगे ये दोनों किस फैमिली में कार्निवोरा में सॉरी ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होगा कार्निवोरा होगा आई एम सो सॉरी ऑर्डर ऑर्डर क्या होगा बच्चों कार्नी वोरा इज गोइंग टू बी चलो, वेरी गुड वेरी गुड ओके चलो कार्वोरा चलो भाई आ जाओ यहां एक और बच्चों आपको ऑर्डर दिया हुआ है प्राइमेटा हमारे वाला जो ऑर्डर है अब क्योंकि मेरे पास यहां ज़्यादा जगह बचेगी नहीं चलो एक और चीज लिख देती पे के साथ बच्चों भी भी लिख देती हम यहां लिख लेते हैं है ना अब इसका क्या क्लास होगा यहाँ पे अपने आप को अपने को क्या क्लास दिया हुआ है yes, ये दोनों बिलोंग टू दे बिलोंग टू डाई कॉट दे बिलोंग टू डाई कॉट नी लिखो यार लिखो डाई अब तो खत्म होने वाला है यार ये वाला एग्जाम्पल डाई डायटी Lidny, है ना इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ मेरा पूरा जोश होना चाहिए बच्चों में मोनो कॉटलिडनी हो गया इधर भी देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल यहां क्या है यहां क्या एग्जाम्पल है बच्चों इधर क्या है कार्नी वोरा प्राइमेटा दे बिलोंग टू मेमेलिया लिखो दे बिलोंग टू मेमेलिया एंड एक और तुम्हारे बुक में एव्स ठीक है रेप टाइल ये सब दिए हुए हैं रेप्टेलिया ये सब दिए हुए लिखेंगे 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 बच्चों वेरी गुड ठीक है चलो दिस इज सॉर्ट ऑफ रिविजन तो आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर तुम तो मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मतलब रिविजन नहीं हो पाएगी फिर ठीक है तो थोड़ा पार्टिसिपेट करना अपने आप अपने को अच्छा जी अब आ जाओ बच्चों वी हैव कवर्ड वी हैव कवर्ड क्लास तक हमने कवर्ड कर लिया अब बस फाइलम रह गया भाई ओनली फाइलम इज लेफ्ट क्योंकि किंगडम तो बड़ी ईजी ही है है ना आ जाओ लिखते हैं फाइलम बच्चों फाइलम हम किस में बोलते हैं एनिमल्स में या प्लांट्स में द वर्ड फाइलम इज यूज द कैटेगरी फाइलम इज यूज फॉर एनिमल्स और प्लांट फटाफट से गार्गियंस ऑल द गार्गियंस फटाफट से बताएंगे जो मैंने पूछा वो बताओ जो मैंने पूछा वो बताओ वेरी गुड वेरी गुड द वर्ड फाइलम इज फॉर बच्चों नो 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 एनिमल्स यस द फाइलम वर्ड इज यूज फॉर एनिमल्स एंड डिविजन मैं यूज करती हूँ प्लांट्स के लिए तो हम यहाँ पे दोनों चीजें लिखेंगे ठीक है तो फाइलम हम लिखेंगे ऐसे एरो लगा देंगे ये क्या हो गया फाइलम में इधर एरो लगा दूंगी बच्चों डिवीजन डिवीजन में ऐसे एरो लगा दूंगी इसका मतलब है डिवीजन बोल रही हूं तो मैं किसकी बात कर रही हूं प्लांट्स की बात कर रही हूं तो यहां क्या आ जाएगा ठीक है और क्या लिख सकते हैं हम जिम्नो लिख सकते हैं टेरिडो लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हो पा, पांचों की पांचों लिख दो तुम है ना फाइलम में बच्चों यहां क्या आ जाएगा कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा आ जाएगा ठीक है जी यहां क्या आ जाएगा कॉर्डेटा डेटा आ गया एन भाई डिवीजन में क्या आएगा सॉरी किंगडम में क्या आ जाएगा यहां पे किंगडम में आ जाएगा बच्चों प्लान और इधर आ जाएगा एनी मेलिया तो ये मेरी हो गई किंगडम डन सारे एग्जाम्पल्स हो गए अब इसके ठीक है और कोई एग्जाम्पल यहां है नहीं आ जाओ अब नेक्स्ट आ जाओ अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़ा जाए ठीक है यस yes, बच्चों पहले ना मैं इसको थोड़ा सा आई थिंक इतना ठीक है दिस दिस वन मच इज राइट चलो बच्चों अब आते हैं अगले चैप्टर पे ठीक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आ आ आ जाओ 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 फटाफट फटाफट यस लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं लिखने वाली हूँ आर की बैक्टीरिया लिखो भाई आर की बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया क्या क्या एग्जाम्पल दिया है बुक में हमारी हाँ हेलो फाइल्स दिया हुआ है थर्मो एसिडो फाइल्स दिया हुआ है मिथेनोजन्स लिखा हुआ है लिखो 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 हेलो फाइल्स अगर आप ये एग्जाम्पल खुद करने बैठोगे ना बड़ा टाइम लगेगा मेरे साथ तुम आराम से बच्चों नाइनटी मिनट्स में सारे एग्जाम्पल्स कर लोगे थर्मो एसिडो फाइल्स ओके एंड तीसरा क्या है अपना मिथेनोजन्स गोबर गैस जो बनाते हैं जिसकी खुशबू तुम्हें बहुत अच्छी लगती है है ना बड़ी बढ़िया लगती है तुम्हें खुशबू ये होगी हमारे आर के बैक्टीरिया अब आ जाओ बच्चों यू 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 बैक्टीरिया 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 नाउ वी विल टॉक अबाउट ठीक है जी जिसको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया इसमें किस है बैक्टीरियानो बैक्टीरिया आएगा ठीक है फोटो सिंथेटिक में अपना आ गया साइनो बैक्टीरिया फोटो सिंथेटिक में आ गया बच्चों कौन सा आ गया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मैं देख रही हूँ ओपी ओपी मैम हा यस <laughs> yes. अच्छा बच्चों जिसने लाइक नहीं करा है सेशन को प्लीज लाइक कर दो है ना लाइक कर दो यार ऐसे बस टिंग ऐसे करना होता है कुछ नहीं जाता है ना हाँ, मैं साइंटिस्ट वाला भी कर दूंगी बच्चों साइंटिस्ट वाला भी आएगा आई आई विल विल टेक टेक साइंटिस्ट वाला also take full form वाला फुल फॉर्म जो एब्रीवेशन वगैरह है वो भी मैं तुम्हें कराने वाली हूं ठीक है चलो रुको मैम अभी करती हूं ये लो फोटो सिंथेटिक ठीक है फोटो सिंथेटिक ऑटोड्रॉप में अपने एग्जाम्पल्स आ जाएंगे साइनोबैक्टीरिया बच्चों इसमें क्या आएगा साइनोबैक्टीरिया आ गया अब साइनोबैक्टीरिया में कौन क्या एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक एंड एनाबीना ठीक है इसमें क्या एग्जांपल है नॉस्टॉक एनाबीना इन्हीं के अंदर मिलता है हेटरोसिस्ट इन्हीं के अंदर क्या मिलता है हेटरोसिस्ट में यहां पे लिख देती हूं चुपके से क्योंकि हेटरोसिस्ट का एग्जांपल भी बच्चों यही बनने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ओके चलो अब हम बात करेंगे आ, जो आपके ये इनका एग्जाम्पल बता दो बच्चों इनका एग्जाम्पल क्या होगा वट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन फटाफट से बताइए इनका एग्जाम्पल क्या होगा नॉ स्टॉक एना बिना हो गया है ये एग्जाम्पल बताओ मुझे यस 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 कीमोसिंथेटिक का एग्जाम्पल बताएंगे क्या लिखा है तुम्हारी बुक में तुम्हारी बुक में लिखा है जो प्ले करते हैं रोल इन द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिय मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन सल्फर इन सब के लिए जो हाँ तो उसका एग्जाम्पल बता दो हां जी उसका एग्जाम्पल बता दो वैसे मतलब इस चैप्टर में नहीं दिया लेकिन तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा यार लिखो लिखो नाइट्रोसोमनास लिखो ठीक है नाइट्रोसोमनास हो जाएगा बीस इसका एग्जांपल डन बच्चों डन दन। डन दन डना डन दन डन वेरी गुड वेरी गुड गुड जॉब गुड जॉब चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट माइको में तो पीपीएलओ आ गया चलो माइक्रो प्लाज्मा यहां साइड में लिखती हूं पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसी का दूसरा नाम है इसका एग्जाम्पल नहीं है इसी का दूसरा नाम है अरे भाई अब आ जाओ तुम एनिमल टिश्यू मैं पहले करा रही हूँ पहले मैं एनिमल टिश्यू करा रही हूँ बच्चों ठीक है उसके बाद एनाटमी कराऊंगी देन आई विल टेक अप अनदर एग्जांपल्स ठीक है जी चलो आ जाओ एनिमल टिश्यू अब देखो बच्चों टाइप्स और एग्जांपल में फर्क होता है उसमें कन्फ्यूजन मत करना एनिमल टिश्यू में मैं एग्जाम्पल्स लिखाने वाली हूँ तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एपिथेलियम वाले ठीक है ओके आ जाओ चलो बच्चों एपिथीलियम इसका एग्जाम्पल तुम मुझे बताने वाले हो कौन बोल रहा है मैम प्लीज़ फास्ट अरे यार मेरे से इतना जल्दी तो नहीं लिखा जाएगा मतलब ये तो मैं क्या करूँ बताओ इससे जल्दी तो नहीं लिख सकते ना तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए होता है कि मतलब फटाफट से सब कुछ हो जाए अरे भाई सत्रह जुलाई को है पेपर है ना ऋतुजा ऋतुजा तेरा पेपर कब है सेवनटीन्थ को या कल है हाँ ऋतुजा भाई थोड़ा जिंदगी में सबर भी होना चाहिए है ना हा यस वेरी गुड यस बच्चों वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ठीक है लिखो 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 वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ठीक है लंग्स एलव्यूलाई उस सब में हो जाएगा तुम्हारा ठीक है यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एलवी भी होगा ओके okay, अब आ जाओ तुम दूसरे पे अच्छा <laughs> <चाँगा>। ओके <Okay. laughs> ये देखो यहां पे हाँ चलो 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 आ जाओ क्यूबॉइडल बताओ बच्चों क्यूबॉइडल इडल का एग्जाम्पल फटाफट मुझे बताएंगे क्यूबॉइडल एपिथीलियम का एग्जाम्पल क्या है बच्चों कहाँ मिलेगा मुझे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में मुझे मिलेगा ठीक है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन में मुझे मिलेगा लिख दो डक्ट ऑफ ग्लैंड में मुझे मिलेगा ठीक है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रोन में मुझे मिलेगा क्यूबॉइडल वेरी गुड बच्चो वेरी गुड वेरी गुड शिनचन वेरी गुड यस आयशा आयशा गुड यार चंदन वेरी गुड वेरी गुड चलो हे चलो आ जाओ नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे ऐसे ही हमारा रिवीजन होगा देखो मैं पूछूंगी तुम आंसर करोगे ऐसे ही और ना मैं एक अलग बढ़िया सी एक सीरीज और आने वाली है अभी तुम्हारी नाउ आई एम गोइंग टू बी रेगुलर अब मैं रेगुलर हो जाऊंगी बिल्कुल जैसे पहले रेगुलर थी अब वैसे ही रेगुलर तुम्हारी क्लासेज लेने वाली हूँ लेकिन कुछ अलग अलग सेशन लाऊंगी कॉल्यूनर बता दो बच्चों कहाँ आएंगे कॉल्यूनर

चलो लिखो 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 ड्रॉन्स एंड फिलोपियन ट्यूबियन ट्यूब में मिलेगी है ना ओके डन वेरी गुड अरे क्या बात है क्या बात है क्या बात है चलो आगे बढ़ते हैं आप ऐसे ही कंटिन्यू करना मेरे पास तो जगह नहीं थी इसलिए मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ रहा है था हो गया। अब हम करेंगे बात। ग्लांडुलर मुझे बताओ तुम यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर का एग्जाम्पल क्या है हां जी इसका एग्जाम्पल क्या बच्चो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर का एग्जाम्पल क्या है गॉबलेट सेल्स ठीक है ऑफ एलिमेंट्री किनाल यस गॉबलेट सेल्स हो जाएगा इसका जो तुम्हारी कहाँ मिलेंगे मुझे ऑफ एलिमेंटरी बच्चों चलो अब तुम मुझे बताओगे मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर कहाँ मिलेगी मुझे मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर कहाँ मिलेगी मुझे किधर मिलती है किधर मिलती है भाई येस यस यस येस बनी इशरत करुणा बता दो फटाफट से फटाफट बच्चो फटाफट ओके से वेरी गुड लिखो 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 ग्लैंड में हो गई है ना कंपाउंड एपिथीलियम बच्चों मुझे कहां मिलेगी कंपाउंड एपिथीलियम मुझे कहां मिलेगी कंपाउंड कहां मिलेगी मुझे बकल कैविटी फैरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, ठीक है पैनक्रियाटिक ये सब लिखो 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 बकल कैविटी में मिलेगी ओके okay. फैरिंग्स में मिलेगी राइट right. और कहा मिलेगी इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट में मिलेगी बच्चों इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट में मिलेगी किसके ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है ना और कहाँ मिलेगी भाई एक और चीज एक रहेगा यस बच्चों वेरी गुड वेरी गुड यस पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों पीडीएफ मुझे मेरे आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना पीडीएफ आपको मिल जाएगा यस yes? ओके okay. ओके थैंक यू सुप्रिया थैंक यू सुप्रिया ओके डन बच्चो ठीक है पी मिल जाएगा बच्चो ओके okay, फटाफट से बच मेरे साथ रिवाइज़ भी कर लो ठीक है सिर्फ पीडीएफ लेके मत बैठ जाना रिवीजन यहाँ पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ओके okay? चलो बच्चों अब हम बात करें सेल की सेल की सेल पे अगर मैं आ जाऊँ या फिर रुको अरे नहीं? नहीं नहीं, नहीं 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 मैं इसके बाद तुम्हें कराने वाली हूँ इनाटमी यस बच्चो इसके बाद मैं तुम्हें कराती हूँ इनाटमी क्या फिर चलो हम ऐसे शुरू कर लेते हैं ठीक है नाउ विल स्टार्ट विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे थे ना मैं प्लांट किंगडम भी कराऊंगी अभी रुको ठीक है एनिमल किंगडम हो गया प्लांट किंगडम भी कराएंगे चलो आ जाओ यस yes, बच्चों कुछ मैंने लिख लिया है ठीक है कुछ मैंने टेबल बना लिया था ताकि अपना टाइम बच जाए अब तो मुझे फटाफट बताओगे ये ये मैं छुपा नहीं पाऊंगी क्या कुछ तो करना पड़ेगा मुझे यस रेड डाइनो का क्या एग्जाम्पल है बच्चों कौन रेड टाइड कॉज करता है गोनियोलैक्स ठीक है विच कॉज इज रेड टाइड विच कॉज इज रेड टाइड ठीक है तुम्हारा टाइम बचे इसलिए मैं इसको लिख के लाई हूं पहले ही का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? युगलेना मत देखिए ठीक है यहां पे मत देखना अपने अपने मर... ए आई 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 विश विश यू यू ऑल ऑल द द बेस्ट बेस्ट ठीक है बच्चों एनिमल किंगडम मैंने लिख, लिख लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है एनिमल किंगडम का मैं टेबल बना के लाई तो डोंट वरी वो भी कवर होगा ठीक है वो कवर होगा, होगा बच्चों ओके okay, जी वो कवर होगा येस yes, चलो आ जाओ ओके okay, बच्चों यूगलेनाइट का एग्जाम्पल इज युगि ठीक है का एग्जाम्पल इज युगि एम का के एग्जाम्पल वेरी इजी अमीबा एंटावा हम फटाफट से हमें रिवीजन लेना इन चीजों का ठीक है फटाफट से रिवीजन लेना

आर ए एम राम ठीक है तो आर से हो गया राइजोपस ए से हो गया एलब्यूगो एम से हो गया बच्चों म्यूकोर एस को मैं कैसे याद रखूंगी कैन सी एन सी से क्लाविप एस से एंड से न्यूरोस्पोरा कैन तो राम कैन ये देखो अपना ट्रिक बन रहा है राम कैन पुआ दैट इज द ट्रिक बच्चों दैट इज द ट्रिक ओके यस चलो आ जाओ ज में अगर मैं देखूं तो मुझे मेरे पास है गैरिकस अस्टिलेगो एंड पक्सिनिया तो क्या हो गया इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था राम कैन बाय पुआ ठीक है? राम कैन बाय पुआ अब देख लो तुम राम आ गया अपना फाइकोमाइसिटीज़ कैन आ गया अपना एस्कोमाइसिटीज़ बाय बी स्टैंड फॉर बेसिडियो माइसिटीज एंड पी इज फॉर पक्सिनिया यू इज फॉर अस्टिलैगो एंड ए इज फॉर गैरिकस ठीक है

फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या यूलोथ्रिक्स एम पे मैं यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल भी लिखने वाली हूं यूनि सेल्युलर का एग्जाम्पल क्या है बच्चों क्लमाइडोमोनास ठीक है क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ये भी हमें लिखने ठीक है थीके? कॉलोनी हो गया फिलामेंटस हो गया यूनिसेलुलर भी तुम्हें पता होना चाहिए फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो कैसा होता है ऐसा होता है स्पाइरो फिलामेंटस डन बच्चो डन यस आ जाओ <coughs> आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ आइसोगेमस रिप्रोडक्शन क्या होता है आइसोगेमस मतलब जहां पे जो तुम्हारे गैमिस है वो सेम है तो आइसोगेमस कहाँ होगा बच्चों आइसोगेमस होता है यूलोथ्रिक्स में बट हियर द साइज इज सिमिलर क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है दिस इज इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन फ्लेजिलेटेड कहाँ मिलेगा मुझे स्पायर वगैरह बच्चे दिस इज पी वाई क्यू ठीक है दिस इज पी वाई क्यू बहुत बार पूछा जा चुका है अब आ जाओ तुम एन पे उसका एग्जाम्पल है यूडोरिना

मेरीन फूड इसका अपना एक ट्रिक है जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए हैं वो ट्रिक बताएंगे चलो फटाफट से बता दो जिस एलगी को हम खा सकते हैं उसका ट्रिक क्या होता है बच्चों <coughs> जिस एलगी को हम खा सकते हैं उसका ट्रिक क्या था बच्चों फटाफट से बता दो जो मेरे साथ पढ़े हो उनको पता है इसका ट्रिक क्या है गार्गियन ट्रिक फॉर दिस वन थैंक यू रुतुजा थैंक यू पोलासा पोलासा वेरी गुड पोलासा ये सोचो द ट्रिक इज पोलासा पोलासा ठीक है इसको हम खा जाते हैं देखो पोलासा कैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम पोलासा याद रखना इनको तुम खा जाते हो एल्गी प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकोलाइड्स हाइड्रोकोलाइड्स जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो मुझे कहाँ मिलेंगे एलजिन मिलता है ब्राउन एल्गी में एंड कैरोजिन मिलता है रेड में इसका भी अपना एक ट्रिक है कैरोजिन कैरेट कैसे रंग का होता है लाल रंग का तो मुझे कहा मिलेगा रेड एल्गी में मिलेगा वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछो ये तो पिछले साल भी आया ये क्वेश्चन बच्चों 2021 में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन बड़ा जरूरी है ओके यूनिसेलुलर एल्गी जो विच इज रिच इन प्रोटीन्स इज क्लोरेला का स्पेलिंग गलत है स्वेलिंग ऑफ क्लोरेला ठीक है दिस इज क्लोरेला आ जाइए आगे बच्चो क्लोरोफाइसी का अपना क्या ट्रिक है फटाफट से बताएंगे बच्चे क्लोरोफाइसी का अपना क्या ट्रिक है बच्चो येस ये वॉज द ट्रिक ट्रिक ऑफ क्लोरो फाइसी बच्चो एस यू वी ट्रिपल सी इज द ट्रिक एस यू वी ट्रिपल सी एस यू ट्रिपल सी ठीक है या लिख लो अब देखो क्या क्या है S is your Spyro, क्या है कारा you मैं रही भी इसी में आता है तो ये अपनी ट्रिक है यस yes, बच्चों फियोफाइसी फियोफाइसी की ट्रिक क्या थी अपनी साफ एलईडी साफ से आ गया तुम्हारा एंड फ्यूकस मैं यहां साथ में लिख भी देती हूं ठीक है ये लो यहां दिखेगा नहीं तुम्हें ऊपर लिखती हूं साफ एल हमारी है फियोफाइसी की क्लोरोफाइसी की क्या थी बच्चों क्लोरोफाइसी की वोज एस वी सी थ्री है ना एंड मेरी जो रे, रेड एलगी उसकी क्या है पीपी जी जी इजी ईजी वेरी ये देखो सारे बच्चे जो मेरे सारे बच्चे हैं ना पुराने मेरे उनको सारी ट्रिक्स याद है उनको सारी ट्रिक्स याद है वेरी गुड बच्चों वेरी गुड चलो आ जाओ आगे बढ़ते डिक्टियोटा तो, लेमिनेरिया सार्गेसम एंड फ्यूकस एस ए से हो गया सार्गेसम एफ से हो गया फ्यूकस एल से हो गया बच्चों लेमिनेरिया ई e से इज एक्टोकार्पस डी से डिक्टियोटा ठीक है पॉलिसिफोनिया पोर्फायरा ग्रासिलेरिया एंड जिलीडियम ये हो गए तुम्हारे रेड एल गे ओके आ जाओ लेवो पे आ जाए स में सिर्फ एक एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दिया दैट इज ठीक है अगर तुम चाहो तो एक और याद रख सकते हो रिक्सिया लेकिन तुम्हारी बुक में दिया ही नहीं है हम के एनसीआर की बात करें तो हम उसकी बात नहीं करेंगे में बच्चों हमारा क्या एग्जाम्पल फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकन एंड स्पेगनम सबका पॉलीफन वॉज द ट्रिक यस बच्चो सबका पॉलीफन वॉज द ट्रिक है ना चलो ओके okay. चलो ठीक है टेरिडोफाइट्स पे आ टेरिडोफाइट्स की चार क्लासेस हैं साइलोपसिडा साइलोटम उसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम्स लेजिनेला इन लाइकोपोडियम उसका एग्जाम्पल है बच्चों राइट स्फेन में आ जाता है मेरा ये क्यों हो जाता है ऐसे बार बार स्फेन में बच्चों मेरा आ जाता है इक्विस्टम ठीक है टेरोपसिडा में मेरे पास आएगा डायटेरिस टेरिस एंड एडियंटम डन यस बच्चो ठीक है यस ट्रिक बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया है ट्रिक मैंने यहाँ लिख दिया है एंड आई मेक मोर ऑन ट्रिक तुम देख ही रहे हो मैं ट्रिक के भी sessions बना रही हूँ तुम्हारे पास और ट्रिक आते रहेंगे ठीक है तुम्हारे पास सेशन आते रहेंगे बच्चों एनिमल किंगडम के भी ट्रिक्स मैं लाने वाली हूँ प्लांट किंगडम के भी ट्रिक्स लाने वाली हूँ डोंट वरी अबाउट इट ओके डोंट वरी अबाउट इट यस बच्चो चलो <coughs> क्या हो गया जी टेरिडोफाइट्स जिसके पास है माइक्रोफिल छोटे लीव्स हैं वो है सिलेजिनेला देखो बच्चों कैसे याद रखोगे एस से सिलेजिनेला एस से स्मॉल ठीक है ये अपना एक ट्रिक है इसका भी याद रखने का कि एस से सिलेजिनेला एस से स्मॉल फर्न्स के पास होते हैं मैक्रोफिल्स बड़े बड़े लीव्स एफ से फर्न एफ से फैन ऐसे याद रखना फैन फैन तो बड़ा ही होता है लीव से है ना चलो ओके okay. यस yes, बच्चों आगे आ जाओ टेरिडोफाइट जिनके पास होते हैं वो कौन होतेजी सिलेजिनेला एंड हेट्रोस्पोरस में अपना क्या है? सेला, अपना क्या क्या है 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 सेला ठीक सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया ठीक है जी सिलेजिनेला दोनों के नाम एस से शुरू हो रहे हैं बच्चों याद रखना दोनों के नाम शुरू हो रहे हैं शुरू हो रहे हैं एस से आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ ठीक है यू विल गेट द पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम डन बच्चों डॉक्टर गार्गी सिंह देख लेना एनिमल किंगडम के भी मैं ट्रिक्स ले आऊंगी ठीक है एनिमल किंगडम के बच्चों ट्रिक्स ले आऊंगी मैं बट यू हैव टू गिव मी सब टाइम दो तीन दिन देने पड़ेंगे क्योंकि मुझे बनाने भी पड़ेंगे फिर मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी डोंट वरी ठीक है जी चलो आ जाओ हेट्रोस्पोरस में बच्चों अपना क्या ये दिस इज इंपॉर्टेंट हेट्रोस्पोरस वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बड़ा जरूरी है ये बहुत जरूरी है ओके okay. अनब्रांच बच्चों कौन सा है साइकस ठीक है अनब्रांच में मेरा कौन सा आ गया साइकस साइकस में ब्रांचिंग नहीं होती ओके okay? ब्रांच में कौन सा आ गया पाइनस एंड सिंड्रस आ गए राइट एंड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बाई सेक्शुअल जिम्नोसफाम कौन सा है यूनिसेक्सुअल जिमनोसफाम कौन सा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाई सेक्शुअल बोले तो मोनोशियस यूनिसेक्सुअल बोले तो डाइशियस ठीक है तो पाइनस इज मोनोशियस या फिर बाई सेक्शुअल वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते तो बहुत ही जरूरी है बहुत ही जरूरी है ठीक है ठीक है जी चलो जाओ बच्चों हिप्लॉटिक लाइफ साइकिल किसके पास होगा हिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है एलगे में ठीक है तो मैं यहाँ पे एलगे भी लिख रही हूँ एग्जाम्पल तुम्हें क्लेमाइडोमोनास ये एलगे की ही एग्जाम्पल डिपलॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होगा जिम्नोस्पम एंड इंजोस्पम में होगा लेकिन क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि ऐसा एलगे जो हेपलॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं शो करता डिपलॉन्टिक शो करता है वो उसका नाम क्या है तुम बोलो है? तुम बोलोगे, बोलोगे ठीक है? है क्या? बच्चों, तुम्हारा होता में, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई एक्सेप्शन क्या हैं, ऐसे कौन से एल्गे हैं जिनके पास होता है तो हमारा ट्रिक क्या है इसका हमारा ट्रिक है बच्चों इसका कैप इज द ट्रिक के से हो गया कैल्प ई e से हो गया एक्टोकार्पस एंड पी से हो गया पॉलिसिफोनिया ठीक है Yes बच्चो यस yes, बच्चो ठीक है ओके okay. बच्चो इधर उधर की बातें करने में अगर तुम अब टाइम वेस्ट करोगे ना अब इतना टाइम तो रहा नहीं है अगर तुम अभी भी इधर उधर की बातें करने में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर गड़बड़ है, है ना फिर तो गड़बड़ हो जाएगी यस yes, बच्चो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है चलो आ जाओ ठीक है हा यस इस टाइम पे बिल्कुल एकदम सटीक फोकस रखना है आपका फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए अब है ना ओके चलो आ जाओ हेलो बिग स्कैनर हाय बिग फैन आई एम आल्सो बिग फैन सीलो मेट्स के एग्जांपल देख अब आप देखो आगे एनिमल किंगडम ठीक है एनिमल किंगडम के बच्चों मेरे पास अभी ट्रिक्स नहीं है बट मैं लाऊंगी ठीक है आई विल ब्रिंग अप द एनिमल किंगडम मैम अगेन रिपीट कर दो कैप कैप इज बच्चों कैप क्या है के से है मेरा कैल्प्स ठीक है e ई से है मेरा एक्टोकार्पस पी से है मेरा पॉली सिफोनिया Then, चलो आ जाओ ओके okay, जी आ जाओ सिलोमेंट्स में बच्चों कौन कौन से होंगे अब आ जाओ तुम एनिमल किंगडम मतलब यहाँ से तो सीधा सीधा एग्जाम्पल ही पूछे सब जाओ सबसे ज्यादा भर भर के एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में ही है दिल थाम लीजिए ठीक है था, दिल थाम लीजिए और चलो शुरू करते हैं ठीक है चलो तुम तो मेरे बहुत बड़े पंखु हो मैं भी मैं तुम सबकी बहुत बड़ी पंखु हूँ और क्या बोलो मैं एनिलीज मोलस्क आर्थोपोर्स इकानोडर्म्स होमिकॉर्डेट्स एंड कॉडेट्स बच्चों होते हैं सीलोमेज ठीक है ये होंगे आपके सीलोमेज बाकी सब रिमेनिंग आर ए सीलोमेज ठीक है जी बाकी सब रिमेनिंग आर ए सीलोमेट्स प्लीज बच्चों फोकस ठीक है चलो सीडो में एक ही एग्जाम्पल है मेरे पास एसके के हेलमिंथस प्लीज रिमेंबर दिस ए सिलोमेट्स में बच्चों मेरे पास आ गए प्लैटी हेलमिंथस ठीक है ए सिलोमेट्स में मेरे पास आ गए प्लैटी हेलमिंथस अब आ जाओ तुम फाइलम पोरीफेरा ओके इसके एग्जाम्पल्स क्या है थोड़ा सा ध्यान से चलो आ जाओ साइकॉन स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया ठीक हो सब सब क्या एस एस वाले से ही नाम है स्पॉन्जिया आ गया पता ही चल रहा है मुझे स्पॉन्जेस लग रहे हैं साइकॉन स्पॉन्जिला ये तो आसान है याद रखना है ना चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं फाइलम फाइल अरे भाई निडेरिया आ गया निडेरिया में बच्चों कौन से हैं फाइसेलिया पोर्टुकीज मैन ऑफ वॉर एडेमसिया सी एनिमनी बोलते हैं जिसको पैंटूला इज सी पेन गॉर्गोनिया इज योर सी फैन एंड इज ब्रेन कोरल ऐसे लग रहा है सब किसी मतलब लड़कियों के नाम लग रहे हैं ऐसे फाइजेलिया एडेमसिया पेनेट्यूला गोरगोनिया एंड मियंड्रीना बच्चों ये याद रखने पड़ेंगे हमें देर इज नो अदर शॉर्टकट फॉर दिस वन ठीक है चलो आ जाओ टीनोफोरा के एग्जाम्पल प्लूरो एंड टीनोप्लाना है प्लैटी हेलमिंथस में बच्चों टीनिया फेस्योला आ गए ओके एस्के हेलमिंथस में वी हैव एस्केरिया वी हैव उचोरेरिया वी हैव एनसाइक्लोस्टोमा यस बच्चों ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे चलो आ जाओ बहाने नहीं बनाने इस टाइम पे बच्चों इफ़ यू आर रियली 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 वांट टू क्रैक नीट इफ यू रियली रियली वांट टू बी अ डॉक्टर यू विल नॉट गिव मी एक्सक्यूजेस कि मैम ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ये हो रहा है वो रहा है यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस यू विल फाइंड द सॉल्यूशंस चलो इसमें से बच्चों आपके दो से तीन क्वेश्चन आ जाते हैं एनिमल किंगडम से यू विल नॉट इग्नोर दिस चैप्टर ठीक है ये सोच के कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ Uh, क्या कहते हैं एग्जाम्पल है बड़ा डिफिकल्ट अरे एग्जाम्पल है वो तो और भी आसान होगी ना कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है तुम्हें है ना चलो <coughs> अब आ जाओ बच्चों एनी पे नीरिस है फेरेंटीमा है हीरो है ये हो गए तुम्हारे एनी के आथ पे आ जाओ बच्चों इतने मतलब ऐसा भी नहीं है तुम रोज़ रिविजन करोगे क्या पाँच मिनट दस मिनट लगेंगे तुम्हें सारे नाम याद हो जाएंगे कोई डिफिकल्टी नहीं है ठीक है कोई डिफिकल्टी नहीं है ओके यस आ जाओ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में क्या है हनी भी है एपिस

ठीक है पिंक टाडा इज द पर्ल ओएस्ट सीपिया इज बच्चो योर कटल फिश लॉलीगो इज क्वेड ऑक्टोपस डेवल फिश एपलीसिया इज सी हेयर आई नो बट याद करने पड़ेंगे डेंटेलियम इज टस सेल एंड प्लूरा इज बच्चो खाइटोन ठीक है अब आ जाओ तो इकाइनो डरमेटा में स्टार फिश वाला एस्टीरिया आ गया इकाइनस आ गया ओके okay? एंटेडोन आ गया क्यू क्यू मेरिया आ गया बच्चो सी क्यू कम्बर ओके जी एंड बच्चों आ गया एंड है ये एम्ब नहीं है Oh, आ गया, चलो और प्रॉब्लम भी मैं ले लूंगी ठीक है चलो ट्रीटा का ट्रिक गार्ड की मैम एकदम से फिजिक्स एंड ओएच पढ़ाने लगी अच्छा ओके okay. आ जाओ बच्चों पाइलम हेमिकॉर्डेटा में अपने दो एग्जाम्पल हैं बिलानो ग्लोसस एंड सेकोग्लोसस ठीक है चलो भाई यूरोडेटा पे आ जाओ जल्दी से फटाफट से एसीडिया है स्कैल्पा है एंड डोलियम है बच्चों ठीक है uh, सैड से तुम याद रख सकते हो यूरोडेटा को सैड से मेरा ये बड़ा ही सैड एक ट्रिक है तो सैल्पा एसीडिया एंड डोलियोलम है ना चलो आ जाओ

ऑस्टिक्टिस में बच्चों आपके पास आएगा एक्सोसिटस एग्जोसीटस विच इज फ्लाइंग फिश हिपो सी हॉर्स लेबियो रोहू कैटला कैटला क्लैरियस एक्वेरियम वाले आपके आ जाएंगे बच्चों फाइटिंग फिश विच इज नोन एज बेटा एंड टेरोम विच इज योर फिश ओके चलो नो 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 अभी अभी बच्चों बातें कम और काम ज्यादा बातें कम और काम ज्यादा अभी ओके आ जाओ देख लो अभी भी चल जा रहा है तुम्हारा एनिमल uh, किंगडम देख रहे हो तुम बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों आ जाओ तो अभी बातें नहीं अभी बातें नहीं बातें बिल्कुल नहीं होंगी अभी एम्फीबिया में बच्चों क्या जाएगा? आ जाएगा डड्डू आ जाएगा फ्रॉग आ जाएगा तो फ्रॉग तो को तुम बोलते हो रैना डड्डू को तुम बोलते हो बुफोटॉड हाइला इज योर ट्री वाला फ्रॉग सैलेमेंड्रा इज योर सेलेमेंड्रथियोफिस इज योर लिमलेस एम्फीबियन इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है लिमलेस एम्फीबियन इंपॉर्टेंट है यस आ जाओ

एंड नाजा नाजा इज योर खोबरा एंड बच्चो बैंग में क्या जाएगा एस में क्या जाएगा पंछियों में क्या जाएगा बच्चों क्रो इज कॉरवर्स कोलंबिया इज पीजन सिटेल सॉरी सिटाक्यूलर इज योर पैरट श्रुतियों इज बच्चो ऑस्ट्रिच पैबो इज पीकॉक एंड एपटेनो डाइटस इज योर पेंग्विन न्योफ्रॉन इज योर वल्चर ठीक है यार क्लियर अब देखो क्लियर दिख रहा है आप बता दो क्लियर दिख रहा है ये लो मैमल्स में बच्चों आ जाओ ओवी पेरस ओवी पेरस इंपोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ओवी पेरस इंपॉर्टेंट ठीक है कौन सा है ऑनिथो रैंकस या फिर प्लेटिफर्स डाकबिल प्लेटिपर्स ये हो गया फटाफट बच्चों फटाफट वीवी फटा -फट। पेरिस में आ गया मैक्रोपस कैंगरू टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स ठीक है कैमिलियस कैमल मकाका इज योर मंकी ग्रेटस इज योर रैट कैनिस इज योर डॉग फैलिस इज योर कैट एलिफेंस इज योर एलिफेंट वे एक्वेस इज योर हॉर्स डेल्फिन कॉमन डॉल्फिन इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ठीक है uh, sorry, इसको याद कैसे करोगे इसका मैं ट्रिक लेकर आऊंगी आई विल स्पेंड समाइम मैं भी थोड़ा टाइम लगा कि इनके ट्रिक्स याद कराऊंगी तुम्हें चलो बच्चो आ जाओ टैप रूट पर आ जाओ टैप रूट अब मैं आ गई हूँ ऑन मोरफोलॉजी एनिमल किंगडम हो गया एनिमल टिश्यू हो गया ठीक है एनाटमी के थोड़ी देर में कराती हूँ तुम्हें ट्रिक्स नॉट ट्रिक्स बट उसके एग्जाम्पल बचो एनाटमी की मैं ट्रिक्स भी दे चुकी हूँ तुम्हें अगर किसी बच्चे ने मेरा अगर किसी बच्चे ने मेरा सेशन देखा है मैं एनाटमी की ट्रिक्स दे चुकी हूँ तुम्हें मैं मॉर्फोलॉजी की ट्रिक्स दे चुकी हूँ नेक्स्ट में तुम्हें एनिमल किंगडम की ट्रिक्स दे दूंगी यस yes? ठीक है ठीक है बच्चों यस yes? ठीक है जी स yes, बच्चों अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं वो ट्रिक्स देखी हैं प्लीज चेक आउट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी की ट्रिक्स बहुत हेल्प होने वाली है तुम्हें यस yes, चलो आ जाओ तो मॉर्फोलॉजी की ट्रिक्स मैं कल दे चुकी हूँ वो देख लेना यहाँ पे मैं ट्रिक्स नहीं बताने वाली अब टैप रूट का एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में मस्टर्ड दिया है पर टैप रूट में तुम्हारे डाइकॉट्स आ जाएंगे टैप रूट में तुम्हारे बच्चों डाइकॉट्स आ जाते हैं एंड जिम्नोसपम भी आ जाता है ये याद रखने का है फाइबरस में बच्चों मोनोकॉट आ गए ठीक है एडमटीशियस में आपका आ गया ग्रास मॉन्स्टेरा एंड द बैनियन ट्री इसको हम कैसे याद रखते हैं मॉन्स्टेरा को मैं कैसे बताता हूँ एक मॉन्स्टर है जो ऊपर चढ़ता जा रहा है कैसे चढ़ेगा क्योंकि उसके पास रूट्स हैं ठीक है ओके okay. अब प्रॉप रूट में अपना क्या आ गया प्रॉप रूट में आ क्या अपना बैनियन ट्री ठीक है उसकी ही तो है जो जटाएं नीचे आ रही हैं स्टिल रूट में बच्चों क्या आ गया मेज एंड शुगर केन आ गया एस एंड एम न्यूमैटोफोज राइजोफोरा रूट्स बाहर निकल आती हैं ठीक है बच्चों रूट बाहर निकल आ जाती हैं तो वो हो गया राइजोफोरा मॉडिफाइड स्टेम मुझे कहाँ मिलेगा पटेटो जिंजर टर्मरिक जमीन का नैन कोलोकेशक इस पर क्वेश्चन पता है कैसे आएगा तुम्हें तो सीधा सीधा पूछेंगे कि किसमें मॉडिफाइड स्टेम होता है मॉडिफाइड रूट होता है यू हैव टू रिमेंबर आलू में अदरक में हल्दी में जमीन कंद में एंड अरबी में होता है modified stem, very important, क्योंकि question पूछे गए हैं इसके ऊपर और फिर तुम्हें पूछ लेंगे होता है बच्चों स्वीट पटेटो में होता है शक्कर में होता है तुम्हारा स्वीट पटेटो में मॉडिफाइड रूट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोमैटो फोर पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है ओके पिनेटली कंपाउंड नीम होता है पामेटली कंपाउंड सिल्क कॉटन होता है पामेटली ऐसे दिखेगा पिनेटली ऐसे रोज बना लेगा ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी बच्चों इसमें क्या है चाइना मस्ट हैव सनफ्लावर इज द ट्रिक चाइना मस्ट हैव सनफ्लावर मैं यहां लिख देती हूं चाइना मस्ट हैव सनफ्लावर इज योर ट्रिक ठीक है चाइना चाइना रोज मस्ट से मस्टर्ड सनफ्लावर से सनफ्लावर ही हो गया ऑपोजिट का ट्रिक क्या है बच्चों गुक्का ठीक है ऑपोजिट का ट्रिक इज गुका ठीक है गुका क्यों गुका से आपका जी यू से हो गया गुआवा सी ए से हो गया कैलोट्रोपिस वर्ल्ड का मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है इट इज एलस्टोनिया एक ही है बस ठीक है एक ही है बस चलो जी ओके okay जी दैट इज बच्चो स्टोरेज वो स्टोरेज का है बायो स्कैनर दैट इज स्टोरेज का इट इज नॉट मॉडिफाइड स्टोरेज है वो स्टोरेज है चलो उसको यहां पे लिख देती हूँ पैरिगस भी लिख एस पैरगस इज ऑल्सो अ रूट जो स्टोर करेगी चलो आ जाओ इतने सारे एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत थी हाँ चलो आ जाओ बचो एक्टिनो फ्लावर की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास मस्टर्ड दतूरा चिली मतूरा चिल्ली ओके okay. जाएगा का बच्चों पी गुलमोहर बीन केशिया एक चीज़ याद रखना जहां पीन आता है पी आता है वहां बीन आता है जहां गुलमोरा आता है वहां केशिया आता है ये पूरी मॉर्फोलॉजी में चल रहा है तुम्हारे याद रखना जहां जहां गुलमोहर वहां वहां केशिया जहां जहां पी वहां वहां, वहां बीन प्लीज़ रिमेंबर दिस प्लीज़ रिमेंबर दिस ये दोनों साथ में आते हैं और ये दोनों साथ में आते हैं किसी भी एग्जाम्पल में देख लेना तुम ओके okay, बच्चों चलो हाइपोगाइनस गायनस पेरी गाइनस एपी गाइनस के मैं ऑलरेडी तुम्हें ट्रिक्स दे चुकी हूँ मेरा कल का सेशन देख लेना ठीक है मेरा कल का सेशन देख लेना बच्चों मास्टर चाइना रोज ब्रिंजर प्लम रोज पीच परी ने प्लम्बर को रोज पीच रोज दिया गुआवा एंड क्यूकम्बर कुगू ठीक है ये हो गया मेरा एपी का एग्जाम्पल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता कि सुपीरियर किसके पास है इनफीरियर किसके पास है एंड हाफ इंफीरियर किसके पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक बच्चो? है बच्चों इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है आ जाओ वेलवेट well में हो गया मैंने तुम्हें इसकी ट्रिक्स भी बच्चों मैंने आपको दे रखी है आई हैव गिवन यू द ट्रिक्स फॉर एस्टिवेशन ऑल्सो चाइना रोज लेडीज फिंगर कॉटन केशिया एंड गुलमोहर देखो आ गया साथ में पी एंड बीन्स देखो साथ में आ गया मैंने तुम्हें बोला था हमेशा पी एंड बीज साथ में आएंगे केशिया एंड गुलमोहर साथ में आए ठीक है ठीक है यस ठीक है जी ओके बच्चों ये मैंने आपको ऑलरेडी ये सूरज वेल कैल ओके यस तो मैंने सारे ट्रिक्स आपको पहले ही दे दिए हैं मॉर्फोलॉजी के मैं सेशन एक बना चुकी हूं कल पोस्ट करा है देख लेना वो जाकर इसी चैनल पर है ये हो गया बच्चों दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं अब आ जाऊं तो मोनो एडल्फस इंड्रीशम यह क्या होता है मोनो एडल्फस इंड्रीशम मतलब सारे के सारे एंड्रीशियम आपका जो था स्टेमन से मिलके उन्होंने एक बना लिया ये किस में होगा चाइना रोज हिबिस्कस में डाईडल्फस दो ग्रुप बना लिया किस में होगा पी में पॉलीडल्फस बहुत सारे ग्रुप बना लिए किस में होगा सिट्रस में होगा ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ठीक है जी चलो ठीक है चलो आ जाओ नो नो इट्स बेटर टू लर्न एग्जाम्पल दिस वे ऑल्सो इसमें क्या होता है बच्चों आपके सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं एक साथ तो ये काफी सही रहता है ठीक है काफी सही रहता है डन बच्चो यस yes? आ जाओ आगे बढ़ते हैं एपो कार्पस क्या होता है भाई एपो कार्पस मतलब अलग अलग मैंने क्या बताया था एपो मींस अलग सिन मींस साथ बच्चों ट्रिक यही है एपो मीन अलग सिन मीन साथ, ठीक है तो मैं ट्रिक दी थी ये, ओके जी तो एपो कार्पस के एग्जांपल मेरे पास है लोटस एन रोज सिन कार्पस के एग्जांपल बच्चों मेरे पास है मास्टर एंड मेटो दिस इज इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं जरूरी है मार्जिनल प्रेजेंटेशन इसके भी मैं ट्रिक्स तुम्हें दे चुकी हूँ मार्जिनल प्रेजेंटेशन बच्चों का आएगा पी में आएगा या फैबेसी में आएगा एक्साइल आता है मेरा चाइना रोज टोमेटो एंड लेमन में आता है प्लीज वॉच माय मॉर्फोलॉजी का ट्रिक वाला छोटा सा सेशन है दस मिनट का सारी की सारी ट्रिक्स वहाँ है ट्रेराइटल प्रेजेंटेशन में बच्चों मस्टर्ड एंड आजिमोन जिसको हम पॉपी भी बोल देते हैं ठीक है फ्री सेंट्रल बच्चों क्या है फ्री सेंट्रल क्या है फ्री सेंट्रल इज डाइन एंड करेक्ट ठीक है जी ओके okay, आ जाओ स्नेहा मैं लिखवा के अगर बताती ना उसमें टाइम लग जाता है इसलिए मैंने टेबल बना के ले आई कि दिस इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस बच्चों ठीक है दिस इज ओनली फॉर योर कन्वीनियंस ठीक है आ जाओ देन बेजल प्रेजेंटेशन बच्चों सनफ्लावर एंड मेरी तू मेरी बात सुन बस ठीक है मेरी बात मेरी बात सुन बस ठीक है मेरी से मेरी गोल्ड सुन से सनफ्लावर बस से बेजल ये मैंने आपको सारे दिया एंड प्रिया फ्री हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन आई गिवन यू ऑल द ट्रिक्स बच्चों फैब फैबेसी की ट्रिक्स में ऑलरेडी दे चुकी हूं प्लीज देख लेना ठीक है प्लीज देख लेना ठीक है चलो यस yes बच्चों ये वाले ट्रिक में ऑलरेडी आपको दे चुकी हूं तो पल्सिस में आ जाएंगे ग्राम अरहर सेम मूंग सोयाबीन एडिबल ऑयल में सोयाबीन ग्राउंड डाई में आ जाएगा बच्चों इंडोगोफेरा, फाइबर्स में सनहेम्प फोर्डर में सिस्बेनिया ट्रिफोलियम एंड ऑर्नामेंटल थी, टमेटो ब्रिंजल पटेटो स्पाइस मेडिसिन बेलाडोना एंड अश्वगंधा आ गया फ्यूमिगेटरी में बच्चों टबेको आ गया एंड ऑर्नामेंटल में आ गया मेरा पिट्यूनिया ठीक है जी आ जाओ आ जाओ यस बच्चों लिलिएसी की भी अपनी ट्रिक्स आ चुकी है ट्यूलिप ग्लोरियोसा सॉस ऑफ मेडिसिन आ गया एलोवेरा मेडि वेजिटेबल आ गया मेरा एसपेरेगस कॉल्चिसिन कॉलचिकम और टमनेल मैं क्यों इसको जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ये ट्रिक्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं उस सेशन में ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ प्लीज़ बच्चो फॉलो माई सेशन्स दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल ठीक है बहुत ऐसे एक्सट्रैक्ट कर कर के मैं चीज़ें लाती हूँ बहुत मेहनत लगती है ट्रिक्स बनाने पर भी येस ठीक है तो उनको जरूर देखो तू ग्लोरी को आसपास अलाउ कर वेरी गुड वेरी गुड ठीक है वेरी गुड बच्चों अगर आप लिख नहीं पा रहे हो डोंट वरी मैं ये आपको सेंड कर दूंगी बेला एंड एशिस पेट लव्स टू इट स्पाइसी फूड यस इशरत रिमेंबर्स द ट्रिक्स इशरत को मेरी सारी ट्रिक्स याद हैं। ओके okay, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं <laughs> अरे कौन बोल रहा है? साउंड क्लियर नहीं आ रही है हाँ? Huh? कौन बोल रहा है बच्चों ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा सारा डेटा यू विल फाइंड देयर फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ठीक है मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा आपको ओके okay, चलो डॉक्टर गार्गी सिंह देख लेना बच्चों ठीक है चलो आ जाओ एंडोमेम्ब्रीन सिस्टम किस किस कौन कौन से हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्पेक्स लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स चैप्टर आपके बच्चों ऐसे हैं जिसमें एग्जाम्पल्स नहीं हैं दे हैव है वहां आपको एग्जाम्पल इतने नहीं मिलेंगे जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में इतने एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में आपका एक चैप्टर है न्यूट्रिएंट वाला उसमें एग्जाम्पल है बाकी सब में इतने कोई एग्जाम्पल्स नहीं है तो घबराना मत कि अरे उसमें से तो कराया नहीं क्योंकि दो आर कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स वहां पे टाइप्स होते हैं बच्चों टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स आर डिफरेंट यस चलो ओके okay. स्क्रीन को जूम करूं तो दिखेगा यस yes, आ जाओ बच्चों चलो पिगमेंट्स में अपने पास क्या एग्जाम्पल है पिगमेंट्स में अपने पास एग्जाम्पल्स हैं ये अब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कैरेचिनॉइड एन्थोसाइनिन बच्चों यस कैरेचिनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन नेक्स्ट टाइम बच निकिता अगर नेक्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसा सेशन है मैं लिखवा दूंगी ठीक है मैंने क्यों टेबल बना के लाई क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम होता है आई हैव टू सेव सेव योर टाइम बच्चों ठीक है तुम्हारा टाइम भी मुझे सेव करना है वो भी बड़ी एक दिक्कत है चलो बच्चो एंड देन मॉर्फिन एंड कोडीन क्या है मॉर्फिन एंड कोडीन इज द के क्या एल्केग्जाम्पल है मेरे पास मोनो ना एसेंशियल ऑयल के क्या लेमन ग्रास ऑयल टॉक्सिन के बच्चों के एग्जाम्पल है एबरिन एंड रिसिन रिसिन पे क्वेश्चन आ चुका है Lectins के है कॉनकेवलिन ए ठीक है यस लेकटिन के एग्जाम्पल है बच्चों कॉनकेवलिन ए अभी अभी क्या करो, मेरे साथ रिवाइज कर लो, लो, ठीक है? जैसे-जैसे मैं आपको बोल रही ना, वैसे-वैसे कि क्या example थे, अभी मेरे साथ कर कर तब आप इसको लेना है ना? ठीक yes? है ठीक है बच्चों ओके okay. क्योंकि पिछली बार मैंने लिखवाया था तो दो घंटे लग गए थे है ना इसलिए मैंने सोचा इस बार Uh, मैं लिख के ले आती हूं और uh, हम ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ओके okay? चलेगा चलेगा ओके okay? आ जाओ मैंने तो यार इसीलिए सोचा था सच में इसीलिए सोचा था है ना आ जाओ बच्चों ड्रग्स की बात कर लेते हैं ड्रग्स में आ गया विन ब्लास्टिंग एंड क्यूर्कमिन ठीक है क्या आ गया विन ब्लास्टिंग एंड करक्यूमिन करक्यूमिन पॉलीमेरिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल बच्चों आपके आगे रबर गम्स एंड सेलुलोज अभी आप क्या करो एक बस मेरे साथ रिविजन का ट्राई करो ठीक है अभी आप बस रिविजन करने का ट्राई करो दिस विल बी प्रोवाइड राइट आफ्टर द सेशन इज डन ना मैं ये टेलीग्राम में डाल दूंगी ठीक है ओके चलो आ जाओ आ जाओ घबराना नहीं है मैक्रोन्यूट्रेंस में बच्चों क्या आ जाएगा मेरा मैक्रो में आ जाएंगे कार्बन अरे तुम्हें की भी ना मैं एक ट्रिक दे दूंगी ठीक है न्यूट्रिएंट्स को कैसे याद रखने का है या फिर चलो यहीं पे दे देती हूँ यहीं पे बता दूँ क्या इधर ही बता दे क्या चलो इधर ही बता देते हैं कई बच्चों को अगर नहीं पता तो इधर ही बता देते हैं हम उन्हें है ना आ जाओ आ जाओ चार्ट्स एंड टेबल्स का चलो यार उसका भी देख लूंगी उसका भी देख लूंगी यार कोई बात नहीं उसका भी देख लूंगी है ना हाँ येस। तो, येस, आ जाओ बच्चों यस तो यस मैक्रो न्यूट्रिय मैक्रो न्यूट्रिय को कैसे याद रखने का है अपना क्या ट्रिक है भाई मैक्रो न्यूट्रिय को याद रखने का कौन मांगे एसपी की कार है ना कौन मांगे एसपी की कार ये है अपना इसको याद रखने का तरीका कैसे भाई सी एच ओ हो गया तुम्हारा सी एच ओ ये सल्फर हो गया देन यू हैव पोटेशियम इज K कैल्शियम इज बच्चों कार मैग्नीशियम इज योर एम जी मांगे ठीक है अगर मैं बोलू को कैसे याद रखेंगे भाई क्यूबिकल फ्रोजन मोमो ठीक है क्यूबिकल फ्रोजन मोमो क्यूबिकल से तुम्हारा हो गया क्या वॉट यू से हो गया तुम्हारा कॉपर मैं लिख देती हूं यहां पर ये तो मुझे ट्रिक्स ना बच्चों ने ही बताई हुई सच्ची में बताऊं तो है ना ये मुझे बच्चों ने ही बताई हुई है ट्रिक्स ओके सो क्यूबिकल से क्या हो गया बच्चों सी यू से कॉपर हो गया ठीक है बी से हो गया तुम्हारा बोरोन नहीं याद रहता ना हमें और डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आता है सी ए एल कैल से क्या हो गया बच्चों क्याल से हो गया तुम्हारा कैल्शियम आ गया यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ कैल्शियम ये कैल्शियम भी होना चाहिए था यारॉरी क्लोरिन आई एम सो सॉरी क्लोरिन हाँ सी एल से हो गया तुम्हारा क्लोरीन आई एम सो सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी ओके जी एंड देन बच्चों आ गया तुम्हारा फ्रोजन से आ गया तुम्हारा एफ आर इज योर आयरन जेड इज योर जिंक एम ओ इज योर मोलिबनम ठीक है एंड एम एन हो गया तुम्हारा मैंगनीज ऐसे याद रख लेना प्लीज निकल भी होना चाहिए यहाँ रहा क्यूबिकल फ्रोजन मोमो निकल ठीक है ऐसे हो गया निकल ना बेनिफिशियल एलिमेंट्स पे बच्चों आगे तुम्हारे सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट एंड सिलीनियम ठीक है तुम क्लोरोसिस कौन कराता है भाई क्लोरोसिस कौन कौन कराता है इसकी भी एक बढ़िया सी ट्रिक है अपनी क्लोरोसिस कौन करा रहा है बढ़िया सी ट्रिक है बच्चों हाँ फिर से मंजन मांगे मोंग है ना फिर से मंजन मांगे मोंग ओके जी तो एफ ई लिख दो फिर से मंजन मांगे मॉंग ये अपनी ट्रिक है ठीक है तो अपनी ट्रिक है इसमें क्या क्या आ जाएगा फिर इस बच्चों आयरन आ गया एस से हो गया मेरा सल्फर एम एन से हो गया मेरा मंजन से मेरा हो गया एम एन एंड जेड एन ओके जी देन बच्चों मेरा हो गया मांगे से हो गया मेरा एम एन मोंक से हो गया मेरा एम कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ओके okay, ठीक है ठीक है ठीक है के से हो गया बच्चों कोबाल्ट बाल्ट okay? ओके एम ओ एन के इससे आ जाएगा ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पे क्लोरासिस में क्लोरासिस में होना चाहिए आयरन सल्फर एम एन जेड एन एम जी एंड एम ओ एन के ठीक है एम ओ नहीं आया बच्चों यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मोलिबनम ठीक है मोलिडनम भी होना चाहिए एन तो है हाँ अब ठीक है ओके okay? चलो आ जाओ नेक्रॉसिस बच्चों नेक्रोसिस का क्या था काकू मांगे कैटरीना ठीक है काकू को क्या चाहिए काकू मांगे कैटरीना काकू मांगे कैटरीना अब तो उसको मांगना नहीं चाहिए कैटरीना की शादी हो चुकी है तो ये हो गया तुम्हारा फिर कैल्शियम कॉपर यू हैव मैग्नीशियम यू हैव टेशियम ठीक है इनहिबिशन बच्चों इनहिबिशन का क्या है अपना ट्रिक इनहिबिशन क्या है मॉन्स ठीक है मॉन्स है ट्रिक ओके okay, अब आ जाओ तुम डिले इन फ्लावरिंग संडे मंडे नो फ्लावरिंग इसका भी इजी है संडे मंडे नो फ्लावरिंग ऐसे याद रखें एस से हो गया तुम्हारा सल्फर एमओ से हो गया तुम्हारा मोलिबिनियम एंड एन से हो गया तुम्हारा नाइट रोजन डन 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 डन, डन। फटाफट से हाँ या ना ठीक है ओके हो गया बच्चों काकू मांगे कटरी ना यस ओके मैम इस साल पेपर इजी आ गया या हार्ड मुझे इस साल पेपर <laughs> इट शुड नॉट बी हार्ड मैं ये बता रहा बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा इतना मैं तुम्हें ज़रूर एश्योर कर सकती हूँ बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा ठीक है बट देयर विल बी लॉड ऑफ लॉड ऑफ लॉड ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत कॉम्पिटिशन होने वाला है बच्चों बहुत ज़्यादा मतलब तुम मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ बट इट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली टफ इसलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ ये वो टाइम है जो इधर उधर तुम फोकस तुम्हारा चला जाता है ना वो मत करा करो

में तुम्हारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं एंड दैट इज बाइनियल प्लांट्स के क्या हैं शुगर बीट्स है बच्चों <coughs> कैबेज है कैरेट्स है दीज आर द एग्जाम्पल गिवन इन योर ग्रोथ वाला प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिवेलपमेंट वाले चैप्टर में ये एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं ओके okay? अब आ जाओ तुम रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं हम ठीक है नाउ विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन ठीक है जी चलो रेस्पिरेशन बाय सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से कहां होता है बच्चों लोअर रेट्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स में होगा फ्लैट फॉर्म्स में हो गया अर्थ फॉर्म स्किन में ट्रैकिया से, से कहा होता है बच्चों इंसेक्ट में होता है दिस इज ये ये जो चीज़ें मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ बड़ी बेसिक सी चीजें फटाफट से बता दो ठीक है फटाफट से बता दो बच्चों हाँ जी बताओ 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 येस yes. यस yes. क्या पूछ रहा है कौन पूछ रहा है यस 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 ओके चलो बच्चों इधर उधर की बातें मत करो अभी ठीक है थोड़ा काम की बात कर लो यार फिर यार दो महीने बाद पछताओगे मैं तुम्हें बोल रही हूं सीरियसली बोल रही हूं uh, दो महीने बाद पछताओगे मत ऐसा करो डोंट डू दिस ठीक है डोंट डू डू दिस डोंट डू दिस बच्चों ठीक है जी चलो आ जाओ रोहित रोहित क्या बोल रहा है रोहित बोल रहा है मैम डेली लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाते हैं रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है प्लीज बताओ ना मैम सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है रोहित यू हैव टू टेक आउट सम टाइम तुम्हारा जो डेली प्लान है ना तुम्हारा जो डेली प्लानर रहता है उसमें से तुम्हें थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा दो घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे बच्चों तुम्हें अपने लिए वो निकालने मेरे लिए नहीं निकालने ओके ये तो करना ही पड़ेगा मतलब तो ये तो ऐसी चीज़ें जो करना पड़ेगा ओके चलो यस बच्चो डन आ जाओ है ना है ना ये आपको करना पड़ेगा बच्चों दो घंटे तो पक्का निकालने पड़ेंगे ये दीपम चौधरी दीपम चौधरी तुम एक काम क्यों नहीं करते हो तुम्हें अगर ऐसा लगता है तुम यहाँ आते क्यों मुझे समझ में नहीं आता अगर इस तरह की चीजें तुम्हें लगती है तुम उन टीचर के लेक्चर लगाने आते क्यों बस ये कॉमेंट लिखने हाँ ये कॉमेंट लिखने वेरी गुड सिंचन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 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 ठीक है गुड बच्चों आपको यू विल हैव टू टेक आउट टू आवर दो घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे चाहे कैसे भी निकालो पाँच घंटे सो ठीक है दो महीने तक अगर तुम पाँच घंटे सोओगे तो कुछ ज्यादा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है बट यू हैव टू डू दिस फॉर योर सेल्फ आप ये जो नीट का एग्जाम क्लियर करने वाले हो या अपने लिए करने वाले हो तो अपने लिए थोड़ा सा तो क्या बोलते हैं उसे हार्डशिप आपके सामने आपको झेलनी पड़ेगी सैक्रीफाइज करने पड़ेंगे आसानी से तो कुछ नहीं मिलने वाला आसान यार इतना ईजी होता था, तो कोई भी कर लेता ना क्रैक कोई भी तो नहीं करता बहुत कम बच्चे कर पाते हैं यस यस ओके ठीक है सिक्स टू एट फिक्स करें वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाँ आई नो रेमी आई नो आई नो यस बच्चों ठीक है ओके चलो लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन अरे हमें किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ इग्नोर करने की जरूरत है अबे यार इस तरह के इंसान तो तुम्हें हर जगह मिलेंगे मतलब तुम तुम यहीं से आइडिया लगा लो तुम यहीं से आइडिया लगा लो कि एक इंसान जो इतना वेला है जिसके पास इतना फालतू का टाइम है कि यहां आके बस ये लिखने आया है भाई उस, उसका कोई क्या करता मतलब तुम तो, तो, तो उसका दिमाग समझो उसका दिमाग कितनी बुरी हालत में है ठीक है तो हमें हमें क्या है हम वो अपना काम करते रहेंगे हम तो अपना फोकस बिल्कुल लूज नहीं करेंगे और अपना काम चालू रखेंगे यस yes, बच्चों चलो वन शॉट बहुत हेल्पफुल थे ओके यस बच्चों यस यस चलो आ जाओ अरे यार इग्नोर करना इज़ द बेस्ट थिंग चलो अरे उस पर तो बल्कि मेरे को तो तरस आता है ऐसे लोगों पे जो मतलब जिनकी इतनी बुरी हालत है जो टाइम मतलब उनके पास इतना फालतू का टाइम है यहाँ आए हुए हैं जस्ट जस्ट इमेजिन दिमाग की हालत कैसी होगी ये सोचो इग्नोर करो और आ जाओ

आ जाओ फोर चैम्बर बच्चों मुझे कहाँ मिलेगा बर्ड्स एंड मैमल्स में मिलेगा वी आर वी आर वी कैन रेट हा ब्लडेड ठीक है जी चलो आ यस यस बच्चों जस्ट डोंट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स आ जाओ चलो अमोनोटेलिक पे आ जाते हैं अमोनोटेलिक की बात करते हैं अमोनोटेलिक में मुझे कौन सा मिलेगा स yes, बालको अमोनोटेलिक में मुझे क्या मिलेगा हाँ जी हां जी जी हाँ अमोनोटेलिक वाले कौन क्या क्या किस फॉर्म में अपना नाइट्रोजन और वेस्ट निकालेंगे अमोनिया के फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा इसमें बोनी मोस्टली एक्वाटिक ठीक है बोनी फिशेस हो गई एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए एक्वाटिक इंसेक्ट हो गए टेलिक में अच्छा बच्चों ये क्या करेंगे दे एक्सक्रीट एक्सेस नाइट्रोजन एज यूरिया यूरिया के फॉर्म में निकाल तो मैमल्स आ गया टेरिस्टल एम्फीबियंस आ गया मेरीन फिशेज आ गया यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालेंगे ठीक है जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्टेल एंड इंसेक्ट इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं तो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट अपना इंपॉर्टेंट है आपको मैच द कॉलम करने को पूछ सकते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अब आ जाओ तुम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किसके पास क्या होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स मेरे को किसके पास मिलेंगे फ्लैट देखो बच्चों एफ से फ्लेम सेल्स एफ से फ्लैट पी से प्रोटोनेफ्रीडिया पी से प्लेनेरिया तुम्हारा एक्साम्पल हो गया रोटिफर्स ओके okay? कुछ एनिलीड्स में भी मिलेंगे हमें ये सिफेलोकॉडेटा में भी मिलेंगे नेफ्रीडिया मुझे कहाँ मिलेगा अर्थवॉर्म एंड एनीलिड्स में मिलेगा इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द कॉलम आ सकता है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेलपीजियन ट्यूब्यूल बच्चों मुझे कहा मिलता है ये yes, कहाँ मिलता है इन इंसेक्ट्स कॉकरोच में मिलेगा एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड मुझे कहाँ मिलेंगे क्रस्टेशियंस में एक्वाटिक आथ्रोपोर्ट में मिलेंगे विच आर प्रॉन्स जिसका एग्जाम्पल हो गया यस yes, बच्चों, अब आ जाओ तुम एमीबॉइड मूवमेंट मुझे कहाँ मिलेगा अमीबा में मिलेगा सीलियरी मूवमेंट मुझे कहाँ मिल सकता है यस yes, वेरी गुड कल्पना वेरी गुड वेरी गुड गुड जॉब कल्पना वेरी गुड वेरी गुड ठीक है हाँ यस 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 अच्छा बच्चों आज अपना एक हम लोग 2016 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं छः बजे उसमें ज़रूर पहुंचना उसमें जरूर पहुंचना सबको ठीक है सब हाँ ओके आ जाओ यस आ जाओ बच्चों ये सीलियरी मूवमेंट में आ गया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्राकि में आ गया मेरे पास ठीक है एंड फिलोपियन ट्यूब में आ गया मेरे पास हमने अभी भी थोड़ी देर पहले बात करी थी ये भी लिखा था रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड फिलोपियन ट्यूब मस्कुलर मूवमेंट बच्चों मुझे कहाँ मिलेगा टंग में मिलेगा लिम्स में मिलेगा जॉज में मिलेगा फ्लैजुलर मुझे कहा मिलता है स्पर्म में मिलेगा स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म ठीक है कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉजेस उनके पास होते हैं ना ये स्पेशल क्वेनोसाइट होते हैं लोकोमोशन जैसे कि युगलीना उसके पास क्या होता है फ्लैजिला होता है दैट इज वाई ये हो गया मेरा एक एग्जाम्पल इनका फाइबरस ज्वाइंट्स बच्चों फाइबरस ज्वाइंट दे आर कनेक्टेड बाई डेंस कनेक्टेड टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं इमूवेबल होते हैं तो इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो गया बच्चों बिटवीन एडजस्ट आपकी वोटिब्री के बीच में ठीक है वोटिब्री के बीच में आके आगे सिनोवियल जॉइंट कौन से होते हैं इनको और क्या बोला जाता है बच्चों सिनोवियल जॉइंट को और क्या बोलते हैं हम डाइथ्रोसिस भी बोलते हैं इनको दीज आर लाइक द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मूवेबल हैं ठीक है तो कहां मिलेंगे मुझे भाई बिटवीन ह्यूमरस एंड एंड पेक्टोरल गर्डल बॉल सॉकेट जॉइंट में मिलेंगे ये ठीक है हिंज जॉइंट हो गया मेरा नी जॉइंट हो गया पिविट जॉइंट मेरा क्या हो गया एटलस एंड एक्सेस ग्लाइडिंग जॉइंट बच्चों कार्पल्स ओके सेडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थम्स राइट ठीक है वेरी गुड गुड जॉब बॉल एंड सॉकेट हिंड ज्वाइन सैडल क्या होता है कॉलम पूछे जा सकते हैं ये जो है ना ये देखो ये सब इस पर आपको मैच द कॉलम पूछे जा सकते हैं अब हम बात करेंगे मल्टीपोलर न्यूरोन्स की ठीक है लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपोलर न्यूरो कौन सा होता है मल्टीपोलर न्यूरोन जिसके पास बच्चो एक सिंगल एग्जॉन होगा और बहुत सारे डेंड्राइट होंगे वो हो जाएगा मेरा मल्टीपोलर न्यूरॉन ठीक है कहाँ मिलेगा मुझे सेरिबुलर कॉर्टेक्स में मिलेगा बाइपोलर क्या होगा जिसके पास एक आपके पास एक्सॉन होगा एक आपके पास डेंड्राइट होगा रेटिना ऑफ आई ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों यूनिपोलर में क्या होगा यूनिपोलर के पास क्या होगा यस यस अच्छा कहां मिलेगा यूजअली मुझे मिलता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहा मिलेगा बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज में है ना हा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके चलो अब हम आ जाएंगे चलो ठीक है पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करते हैं पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स मुझे कहाँ मिलेंगे इंसुलिन है ग्लूकागन है बच्चों पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड हाइपोथेलेमिक हार्मोन्स हैं स्टेरॉइडल हार्मोन का एग्जाम्पल क्या है कॉटिस होल टेस्टास्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स नाउ आइडोथायरॉन था का एग्जाम्पल क्या है दे बेसिकली एक्टिवेट द थारॉयड हार्मोन्स ये हो गए मेरे थाइरायड हार्मोन्स का एग्जाम्पल बच्चों एमिनो एसिड डेरेवेटिव एग्जाम्पल है इपिनेफरीन हार्मोन्स जिसमें होता है मेमरी बाउंड रिसेप्टर उसका एग्जाम्पल है प्रोटीन हार्मोन्स ठीक है हार्मोन्स विद इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स उसका एग्जाम्पल मेरे पास है स्टेरॉयड एंड आइडोथायरोनिज करेक्ट ठीक है और अब मैंने आपको कराना है आई हैव टू टेल यू सम मोर एग्जाम्पल्स आई हैव जो मुझे आपको बताने हैं दे बिलोंग टू अभी मैं आपको बच्चों एनाटमी के कुछ एग्जाम्पल बताने वाली हूं ठीक है एनाटमी के जो ट्रिक्स है वो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूं एनाटमी के कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बता देती हूं ओके चलो एनाटमी के कुछ एग्जाम्पल लिखे आर यू रेडी जो इस टेबल में मैं नहीं लिख पाई थी चलो एनाटमी के कुछ एग्जाम्पल बच्चों प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या होता है सेकेंडरी का एग्जाम्पल होता है ये तुमसे पूछा जाएगा लिखो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है रूट एपिकल मैरिस्टेम शूट एपिकल मैरी तो सीधा सीधा मैं एपिकल मेरिस्टेम लिख देती हूं एपिकल मेरिस्टेम लिख देती हूं डन ठीक है ओके okay? ओके okay? चलो चलो बच्चों ये एग्जाम्पल वाला सेशन चल रहा है पीपीएलओ को साइज वाला नहीं है राम और शाम बताओ ओके okay. चलो so, एनाटॉमिक की एग्जाम्पल करा रही हूं मैं अभी येस ओके सो एपिकल मेरिस्टेम आ गया राम और शाम दोनों आ जाएंगे इसमें रूट एपिकल एंड शूट एपिकल आ जाएगा बच्चों सेकेंडरी बड़े बार पूछा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम लैटरल का भी यही एग्जाम्पल होने वाला है सुन लो ओके लैटरल का भी यही एग्जाम्पल होने वाला है क्या है इसके एग्जाम्पल कौन बताएगा मुझे इसके एग्जाम्पल है बच्चों केम्बियम एंड कॉट थेम्बियम ठीक है केम्बियम चाहे इंटरफेसिकुलर हो चाहे इंट्रा हो एंड कॉर्क केम्बियम प्लीज रिमेंबर दिस इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ठीक है ओके okay. आगे आगे मैं तुम्हें बता हूँ ग्राउंड मेरिस्टेम के एग्जाम्पल क्या है ग्राउंड मेरिस्टेम इसके एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल है बच्चों कॉर्टेक्स पिथ एंडोडर्मिस पेरिसाइकल मेडुलरी रेज लिखो लिखो कॉर्टेक्स पिथ, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ठीक है मेडुलरी, रेज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू अब तुम आ जाओ बच्चों एंडार्क कंडीशन कहां मिलती है एग्जॉक्ट कंडीशन कहां मिलती है फटाफट से बताएंगे एंडार्क किस में मिलेगा एग्जाक किस में मिलेगा मैंने मेरे ट्रिक्स भी हैं इसके प्लीज एनाटमी का सेशन देख लेना ट्रिक्स वाला ओके एग्ज एंडाक मिलता है बच्चों स्टेम में एग्जाक्ट मिलता है रूट में प्लीज रिमेंबर ठीक है अब हम बात करेंगे बच्चों क्लोज वेस्क्यूलर बंडल कहाँ मिलते हैं एंड ओपन कहाँ मिलते हैं क्लोज वेस्क्युलर बंडल ओपन वेस्क्युलर बंडल कहाँ मिलेंगे क्लोज और कहाँ मिलेंगे ओपन वे गुड 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 जॉब गुड जॉब गुड जॉब यस 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 सही जा रहे हो बच्चों सही जा रहे हो सही बता रहे हो ah, हाँ जी बताओ ओपन कहाँ मिलेगा क्लोज कहाँ मिलेगा ओपन मिलता है बच्चों डाईकॉट में ठीक है ओपन मुझे मिलेगा डाईकॉट में क्लोज मिलेगा मुझे मोनोकॉट में ठीक है uh -uh. क्लोज मिलेगा मोनोकॉट में ठीक है एनोपर मिलेगा डायकॉट में लेकिन डायकॉट का भी आगे बताऊंगी ठीक है डायकॉट का भी आगे बताऊंगी <coughs> अब बच्चों नेक्स्ट में तुमसे पूछने वाली हूं कि मुझे रेडियल कहां मिलते हैं कॉन्जॉइंट कोलेट्रल कहां मिलते हैं ठीक है रेडियल कहां मिलेंगे कॉन्जॉइंट कोलेट्रल कहां मिलेंगे दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कोलेटरल कहां मिलेंगे ओके okay. बताओ रेडियल कहां मिलेंगे आर से रेडियल आर से रूट्स ओके कॉन्जॉइन कोलेटरल कहां मिलते हैं बच्चों कॉन्जाइन कोलेटरल मिलते हैं स्टेम में ठीक है स्टेम में मिलते हैं अब मैंने यहां मोनोकॉट लिखा था अब मैं यहाँ पे लीव्स भी लिख रही हूं लीव्स चाहे किसी के भी हो डाईकॉट के हो या मोनोकॉट के हो लीव्स में भी वेस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं प्लीज रिमेंबर दिस डन ठीक है इतनी बात सब बालकों को समझ में आई हाँ? चलो भाई अब और एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल और है बच्चों बस थोड़े से और एग्जाम्पल है जो मेरे, मुझे लगता है कि मुझे यहां लिखवाने चाहिए आ जाओ तो लेट्स राइट डाउन अबाउट द एसिडिक अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड कौन से फटाफट से लिखो एसिडिक अमीनो एसिड कौन से बच्चों? दिस इज इंपॉर्टेंट ये जरूरी है एसिडिक में कौन से आते हैं फटाफट ग्लूटामिक ठीक है ग्लूटामिक एसिड आ जाता है करेक्ट और क्या होता है स्पार्टिक एसिड आ जाता है येस ठीक है येस बच्चों वेरी गुड वेरी गुड देखो लास्ट तक भी कितने बच्चे रुके हैं लास्ट तक भी कितने बच्चे रुके हैं ये इसी तरह का स्पिरिट चाहिए मुझे इसी तरह का स्पिरिट चाहिए बच्चों यही चाहिए है ना हाँ ठीक है चलो ये हो गया इस पार्टिक एसिड हो गया अब हम बात करेंगे बेसिक की बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा लाइसिन एंड आर्जिनिन आ जाएगा लाइसिन आर्जिनिन आ जाएगा है ना ठीक है न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में क्या आ जाएगा बाल को विलाइन आ जाएगा ठीक है न्यूट्रल में क्या आ जाएगा एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक की बात करें तो इसमें क्या आएगा एरोमेटिक में आ जाएगा तुम्हारे टाइरोसिन फिनाइल एलानीन ट्रिप्टोफेन ठीक है टी पी टाइरोसिन ट्रिप्टोफेन एंड देन मवर्क यू हैव टू राइट डाउन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वो तुम लिखोगे ठीक है वो तुम लिखने वाले हो तुम्हारा होमवर्क होमवर्क no, no, भी दिया जाएगा होमवर्क क्या है होमवर्क क्या है बच्चों? तो सारी चीजें मैं तो कराऊंगी तो मजाक नहीं आएगा ना एसेंशियल कौन से हैं? नॉन एसेंशियल कौन से ये तुम लिखोगे दिस इज योर होमवर्क ठीक है और क्या एग्जाम्पल बता दूं मैं तुम्हें यहां पे? Yes, और एग्जाम्पल ये है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है इन वर्ल्ड बायोस्फेयर में कौन सा है बिस्को ठीक है एनिमल में कौन सा है बच्चों एनिमल में कौन सा है एनिमल में क्या है कोलाजन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए बता रही हूँ ठीक है इसलिए बता रही हूँ ठीक है जी और आपको क्या बता दिया जाए कंपाउंड लिपिड कौन सा है एंड डिराइव्ड लिपिड कौन सा है कंपाउंड लिपिड का एग्जांपल है बच्चों फॉस्फोलिपिड्स ठीक है फॉस्फो जैसे कि लाइसाइथिन ठीक है जैसे कि लेसाइथिन दिस इज द एग्जांपल फॉर कंपाउंड वन डिराइव्ड का एग्जांपल क्या है डेराइव्ड का एग्जांपल क्या है कोलेस्ट्रॉल ठीक है डिराइव का एग्जांपल इज कोलेस्ट्रॉल आई थिंक अब मुझे लगता है कि सारे जो मुझे लगता था कि हैं वो हो गए हैं बच्चों ठीक है थैंक यू थैंक यू शगुफ्ता uh, एक बात बता दो कितने एग्जाम्पल हुए बच्चों टोटल किसी ने अगर लिखा हो तो कितने एग्जाम्पल हुए कैन यू लेट मी नो कैन यू लेट मी नो कैन यू लेट मी नो बच्चो हाँ कैन यू लेट मी नो हाउ मेनी एग्जाम्पल्स है फिनिश्ड पीडीएफ में बच्चों अभी भेज दूंगी अभी भेज दूंगी एंड डोंट फोरगेट डोट फोगेट वी हैव सिक्स पी एम पे बच्चों हमारा सेशन है जिसमें हम पी वाई क्यू करने वाले रोज होंगे अभी ठीक है रोज होंगे पी आई पी वाई क्यू नियरली टू हंड्रेड हो गए चलो गुड बहुत सारे अर्पिता बोरे मैम बहुत सारे चार्ट वाले मैंने नहीं लिखे बच्चों चार्ट वाले मैंने लिखे ठीक है टेबल वाले चार्ट वाले तो आपको वैसे ही एनसीईआरटी में मिल जाते हैं ठीक है ओके चलो ठीक है जी बच्चों तो छह बजे मिलना है जरूर पक्का वादा करके जा रहे हो तुम यहां से एंड ये देखो ये तुम्हारा ये देखो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आ रही है आपकी फुल सिलेबस फ्री है बच्चों इनको जरूर एनरोल कर लेना ठीक है देखो फिफ्टींथ मे को हो रहा है यू विल हैव एंड डू इन दिस वन यस ठीक है एंड बच्चों आप एन अकेडमी विडाउट भी पूछ सकते हो अगर आपको लगता है कि डाउट का सोल्यूशन आपको ठीक नहीं लिया फिर आप फिर से रिव्यू कर सकते हो और मैं तुम्हें मिलूंगी आज शाम छह बजे यस yes, बच्चों ठीक है जो मैंने लिखे सारे लर्न भी हो गए वेरी गुड वेरी गुड ठीक है प्लस की क्लास बच्चों आज नहीं होगी मैं सेशंस लगवा रही हूं कल होगी कल हो जाएगी ओके ओके बाय बाय टेक केयर टेक केयर बच्चों एंड आई सी यू इन सिक्स पीएम वाला सेशन ठीक है बाय